टोटल सीजर आपका 16 मार्च से जो शुरू हुआ है, आपने देखा होगा हर सब डिवीजन में, हर असेंबली सेगमेंट में तीन तीन SST स्टैटिक सर्वेलेंस टीम है, और टोटल पूरे राज्य में 185 ऐसे सर्वेलेंस पॉइंट्स हैं जिसके थ्रू चेकिंग हो रही है। जो भी व्हीकल्स आ रही हैं, बसेज हो, ट्रक हो, कोई भी व्हीकल हो, उसकी चेकिंग हो रही है, तो उसमें इतना सीजर मिला। इसके अलावा जो और सेंट्रल एजेंसीज हैं, चाहे आपकी डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ब्यूरो है, आपका इनकम टैक्स है, तो सभी दफ्तर के लोग सीजर कर रहे हैं। तो ये 25 करोड़ आया, उसमें मेनली आपका ड्रग्स का पोर्शन ज़्यादा है, उसके बाद लिकर है, कैश का कंपोनेंट आपका कुछ लाख में होगा, वो उतना नहीं है, लेकिन मेन ड्रग्स है। देखिए, जो TSR बाहर पोस्टेड थी छत्तीसगढ़ और आपकी दिल्ली में, उनको पहली बार इस बार व्यवस्था किया गया था कि उनको सर्विस वोटर के रूप में वोट देने का अधिकार मिले, तो हमने इलेक्शन कमीशन के साथ टेकअप किया था और उस हिसाब से रिकॉर्ड ऑफिसर TSR के जो कमांडेंट हैं उनको बनाया गया था। तो उन्होंने जिन लोगों ने समय रहते अपने सर्विस वोटर के अपने अधिकार को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने वहीं पे रहते रहते वोट दे दिया, पोस्टल वो ETPB में होता है, इलेक्ट्रॉनिक वे में हमने उनके पोस्टल बैलेट वहाँ भेजे थे, और जिन लोगों ने शिक्षा से देना चाहा उन्होंने दे दिया, तो वो रिकॉर्ड हो गए हैं, और वो भी उस दिन के बाद से पोस्टल बैलेट बाई पोस्ट आएंगे हमारे पास, जो ऑन द डे ऑफ काउंटिंग उनको काउंट किया जाएगा। उसके लिए पूरे व्यवस्था की गई है, और कल से जो 48 आवर्स का समय 5 बजे के बाद से शुरू होगा, उसके बाद कैंपेनिंग बंद हो जाएगी, कोई भी रैली, पब्लिक मीटिंग, रोड शो वो सब नहीं हो सकता। जो एजेंट्स कह लीजिए, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव जो उस असेंबली सेगमेंट के वोटर नहीं हैं, दे उनको अपने एरिया में वापस जाना होगा। कोई भी जो बॉर्डर्स होंगे उनको सील किया जाएगा, उसमें मूवमेंट्स जो नाका पॉइंट्स है उसमें क्लोजली मॉनिटर किया जाएगा कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं, मतलब कोई बाहर का वोटर भी ना आए, तो जो पहले से अंदर है उनको बाहर भेजा जाएगा, और नाका पॉइंट में चेक किया जाएगा कि बाहर के वोटर अंदर ना आए, और सिक्योरिटी फोर्सेस का एरिया डोमिनेशन चलता रहेगा, सुबह भी शाम को भी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज, स्टेट पुलिस वो सब रहेंगे। और का जो पोस्टल बैलेट है वो मेनली है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो इलेक्शन ड्यूटी में हैं, चाहे वो सिविल हों, पोस्टल हों, पुलिस के वो हैं, या इसेंशियल सर्विस में जैसा मीडिया भाई बंधु रहे हैं उनको भी ये दिया गया है, तो उनके लिए ये वेरिफिकेशन सेंटर कल से शुरू हुआ था। कल इसेंशियल सर्विसेज का था, आज और कल 2 दिन सिविल एंड पुलिस ऑफिशियल्स के रहेगा, इसेंशियल सर्विसेज वाले भी दे सकते हैं। और ये फैसिलिटेशन सेंटर हर सब डिवीजन हेडक्वार्टर में खुला है, यानी अगर हम वन त्रिपुरा वेस्ट की बात करें तो, और इसलिए वन त्रिपुरा वेस्ट क्या, ये तो पूरे स्टेट के सभी सब डिवीजन हेडक्वार्टर में ही ये फैसिलिटेशन सेंटर है, इसलिए सभी आठों के आठों डिस्ट्रिक्ट में जो 23 सब डिवीजन हैं उन सभी में ये फैसिलिटेशन सेंटर चल रहा है। Nara chugumuk ansing baljok nas kama ma banggi jasan. Chugumuk ta nang? Inda ko de khuros kama tungo mayna chugumuk kuni jenga. Plus F markadong pa ko? Plus F? Salan tiyo, anchini cha ani rango. Peena nam gini rango de bang akun wat changa. Jeyan anchini bimang, gisig, porayani, nambate rakani, mandapani, aru gumuk kuni nikata. Nang koban? Inda pili anga cha unan ma chungja? Oe, chugumuk nang ani rang. Unigumen na atta, merong, kari, to, aru dut rangko koros ka ingon, plus F marka dongo pa ko sa nibo. May na uno, iron, aru vitamin rangko nang ani kriyo na. Sungi chane cha oba, magronchi niyo ba, aru chatoa niyo ba, mamang dintang ani ko uijawa. Dintang rika ni ko uijawa ra may na sabrins ka injo. Andi ba mang sao blongen dintang rika ni donga? Anchinyan, sing baljo ka niyo. Nambata cha ani rangani chi, nambate jangi thangani. Plus F marka dongpa cha ani rangko, daalo ni jakhalbo.